दोस्तों क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, मैं लेंदी क्वेश्चंस भी हैं और इसमें टफ मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कम्युनिकेशन का ही, कि द टू साइडेड पीएसडी ऑफ नॉइज सिग्नल फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज इज शोन इन बिलो फिगर एक्स टी इन बिलो फिगर शोन इन फिगर इज अप्लाइड टू आर सी एल पी एफ हूज टाइम कॉन्स्टेंट इज 1 मिली सेकेंड। द आउटपुट पावर इज, कहने का मतलब ये है हमें आउटपुट पावर निकालनी है, और ये कह रहा है कि ये जो टू साइडेड पीएसडी है आपका, दिस इज व्हाट टू साइडेड पीएसडी, ठीक है, मतलब ईटा नॉट जो है ये आपको शोन दिया है किसी सिग्नल एक्स टी का, टाइम कांस्टेंट दिया है, टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, तो ये आपने किस में लगाया है किसी इसको एक आरसी लो पास फिल्टर, आरसी लो पास फिल्टर ये होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, आपको पता है आरसी लो पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर आर सी लो पास फिल्टर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब ये, ठीक है, इसको ये कितना आता है 1/1 j ओमेगा RC। आप खुद कई बार मैं बता चुकी हूँ, आप निकाल सकते हैं, ये अगर R है, ये C है, इसके C के अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे V आउटपुट बाय V इनपुट, इसका मैग्नीट्यूड आपका किसके बराबर होगा, HS के बराबर, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट इंटू 1/j ω C बाई आर प्लस 1/j ω C। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आएगा, यहाँ पे RC कितना है 1 मिली सेकेंड, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 1/1 j ω हो जाएगा। अब आप देखिए, जो आपका PSD होगा इनपुट का, दैट इज इक्वल टू ईटा/2, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, हाँ ये दिया है आपको 2 × 10⁻³। ठीक है, बीइंग द टू साइडेड, ये क्या है, टू साइडेड पीएसडी है, दिस इज योर टू साइडेड पीएसडी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जो आपके पास आउटपुट पीएसडी होती है, इसका फॉर्मूला होता है SYY ओमेगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ H ω² SXX ω, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जो आपका इनपुट पीएसडी है SX ω, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/, मैं इसको अभी तो मैंने 1+j ω लिखा, लेकिन चले मैं आपको सिंप्लीफाई करके, अगर मैं ω RC पूरा ही लिख देती हूँ, 1 प्लस 1/1 ω RC का होल स्क्वायर इंटू H ω² जो है आपका ईटा/2, ये हो गया, ये SX ω है, सॉरी ईटा/2 है, तो ये इस तरीके से आएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितने, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पीएसडी है और जो ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, ये आपस में फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होते हैं, ठीक है। ये गेट के क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इनको लाइटली मत लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्योंकि हमें एक फॉर्म देना है इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं SX ω इज इक्वल टू ईटा/2 × 1। अभी आप RC की वैल्यू 1 मिली सेकेंड मत रखिए, इसको आप 2/RC और यहाँ पे ω² + 1/RC और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए देखिए, यहाँ पे जो आपका RYY tau है, दिस इज इक्वल टू ईटा/2 × 1/2 RC इंटू, ये एक फॉर्मूला है ये पूरा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e^(-tau/RC), यही होगा, क्योंकि सिंस e^(-tau/RC), इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये यही आता है, 2/RC/ω² + 1/RC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका आउटपुट पावर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपका आउटपुट पावर क्या होता है, मीन स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकाल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल, दिस इज इक्वल टू RYY tau एंड दिस इज इक्वल टू tau = 0। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू रखिए, tau = 0, ये -0 = 1 हो जाएगा, RC वन हो जाएगा, पूरा सॉल्व करके इधर कितना आना चाहिए आपके पास, ये होगा ईटा/4 RC, यानी कि ईटा/4 RC है, तो ये ईटा/4 हो गया। अब ईटा/2 की वैल्यू जो है, जब आप इसमें ईटा/2, दिस इज 2 × 10⁻³, ये दिया है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी
इसमें से 2 × 10⁻³ बाई टू, तो ये कुछ कितनी आएगी आपकी 1 वॉट। मतलब ये भी इसी तरीके, क्योंकि ये कितना था, 1 मिली सेकेंड था ना, तो ये भी इतना होके कितना जाएगा, 1 वॉट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, ये इसका जो आउटपुट पावर, पी आउटपुट कितना आएगा, दिस विल बी 1 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ बैंड पास सिग्नल विद सेंटर फ्रीक्वेंसी एट 4.5 f0 एंड बैंडविड्थ 2f0, द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड अलियासिंग इज। देखिए, किसी भी बैंड पास सिग्नल, बैंड पास मतलब विच पासिस द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एक होता है लो पास सिग्नल, एक होता है बैंड पास सिग्नल, तो बैंड पास सिग्नल के लिए जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2f h/k, वेयर के क्या होता है आपका, fh/fh-fl, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दिया है, इसने मिड फ्रीक्वेंसी दी है, ये 4.5 f0 है, ये मिड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 3.5 f0 है, ये 5.5 f0 है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर fh हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी है, और ये वाली सेंटर फ्रीक्वेंसी है। अब आप इसमें fh-fl करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी एज 2 f0। तो जो k होगा वो कितना हो जाएगा, k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5.5 f0 बाय 2f0। ठीक है, तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी, नियर अबाउट हम इसको लिख सकते हैं 2, मतलब राउंड ऑफ करके ये नियर अबाउट 2 आएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो fs होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2fh/k, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 5.5 f0/2, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5.5 f0। तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 5.5 f0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन अ VHF कैरियर बाय सिग्नल ऑफ 100 हर्ट्ज, ये डेल्टा एफ है, ये 100 हर्ट्ज है। ठीक है, एंड जो आपका आपको पता है, ये FM की बात कर रहा है, तो FM में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, दैट इज नियर अबाउट डेल्टा एफ अपॉन FM। तो हमें डेल्टा एफ तो दिया ही हुआ है कि इट इज अराउंड 50 किलो हर्ट्ज, सॉरी ये 50 किलो हर्ट्ज है, और FM कितना दिया है, 100 हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये 1000, तो ये कुछ नियर अबाउट 500, तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेविंग इन पावर इन अ DSB-SC सिस्टम ओके मॉड्यूलेटेड एट 80% इज। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता है PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 + m² / 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको ब्रैकेट खोलूंगी तो PC + m² PC/2 होता है, तो सम ऑफ कैरियर पावर हो गया एंड दी साइड बैंड पावर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका साइड बैंड पावर होता है, दिस इज m² PC/2 होता है। ठीक है, अब हम पावर इन अ सिंगल साइड बैंड अगर हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या दिया है, 80% मॉड्यूलेटेड एट 80% दिया है। देखिए, पावर किसी भी सिंगल, अगर मुझे PUSB अपर साइड बैंड में या LSB में निकालना है, तो ये हो जाएगा m² PC/2, और इसका भी तो हाफ होगा, यही होगा ना। और जो आपकी कैरियर पावर है, कैरियर पावर आपका कितना होता है, a² / 2, तो पावर सिंगल, तो यहाँ पे जो आपकी साइड बैंड पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है, इंटू पीसी की वैल्यू a² / 2, ठीक है, इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m² / 2, ये वैल्यू हो जाएगी, तो यानी कि ये वैल्यू कुछ आ गई, m² a² / 8 आ गई। अब आप देखिए, जब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो मैं इधर लिख लेती हूँ, मैंने गैप ही नहीं छोड़ा शायद। देखिए, यहाँ पे अब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है 0.8 गिवन है, तो यानी कि जो आपका ट्रांसमिटेड पावर होगा वो कितना हो जाएगा, PC of 1 + m² / 2, यही होगा, यानी कि कितना हो गया ये, 0.64, 0.32, ये 1.32 PC हो जाएगा। और जो पावर इन साइड बैंड्स होगी वो कितना हो जाएगी, वो है 0.32 PC, तो पावर सेविंग पूछ रहा है ना ये, तो यानी कि जो पावर सेविंग होगी वो होगी आपका PT - साइड बैंड पावर, ठीक है, अपॉन PT × 100। तो यहाँ पे देखिए, PT कितना है, 1.32 - साइड बैंड पावर 0.32,
और पीटी कितना है 1.32, पीसी पीसी तो विल बी कैंसल्ड आउट, तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको इनटू 100 भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कुछ 75.75%। तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका ये थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है, अगर आप निकालेंगे इसमें। ओके, ये तो आपको एक तरह से जो मैंने थ्योरी बताई है कि एम का एक्सप्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें देखिए ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, तो ये आपको मल्टीटोन एम मॉड्यूलेटेड वेव दिया। ये क्या दिया है आपको? मल्टी टोन एम मॉड्यूलेटेड वेव दिया है। तो इसकी इक्वेशन क्या है एक्चुअली? वाई टी इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं एस ऑफ ए एम टी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए सी ऑफ वन प्लस ओके एम वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस एम टू कॉस ओमेगा एम टू टी, और यहाँ पे ये कितना हो गया बाहर, कैरियर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपका एम वन है दिस इज इक्वल टू वॉट, ए एम वन अपॉन ए सी वन, और जो एम टू है ये आपका है ए एम टू अपॉन ए सी टू। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स कितना है? जो एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स है दिस इज इक्वल टू वॉट, एम ए सी बाई टू। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखें यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर है, दैट इज मैं यहाँ से बता देती हूँ, इधर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर ये 25 दिया है, ठीक है। उसके बाद जो मॉड्यूलेशन इंडिसेस दिए हैं आपको, ये एम वन हो गया, ये आपका हो गया एम टू हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल कितना है? ए सी एम, जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल है दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल्स आर कितने हो जाएंगे आपके, आप जो एम एम इंटू ए सी है ना, तो यानी कि ये हो जाएंगे एम वन इंटू ए सी वन एंड एम टू इंटू ए सी टू, यही तो होगा। तो कितना हो गया ये? ये हो गया आपका 0.7 इंटू 25, और ये हो गया 0.3 इंटू 25, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स निकालना है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स आपने निकाला एम ए सी बाई टू है, तो ये कितना हो जाएगा? एम 0.7 इंटू 25 बाई टू एंड 0.3 इंटू 25 बाई टू। तो आपसे इसने क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स। तो देखिए ये तो आपका कुछ हो जाएगा 12.5, सॉरी ये हो जाएगा कुछ 12.5, और ये भी कुछ हो जाएगा 12.5। तो 3 5 जा 15, 12 3 जा 36, 36 ये हो जाएगा 3.75, और ये कितना हो जाएगा? 7 5 जा ये कुछ हो जाएगा 8.75। तो ये आपका मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन है? ये आपका डी ऑप्शन सही बैठ रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कितना है? 25। तो ये क्वेश्चंस देखिए, मैं बहुत क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली समझाती हूँ, मैं डायरेक्ट कभी आंसर टिक करके नहीं बताती कि इसका ये होगा, डायरेक्ट रेयर केसेस में बताती हूँ जो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है या जो बहुत इजी है। तो मैं क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्ट उसका आंसर टिक नहीं करती, बहुत एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगना चाहिए। ये व्यूज पे अगर आप जाएंगे कि मेरा चैनल कम पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर हो पा रहा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग इन ऑन यूट्यूब, तो ऑब्वियस है कि सब्सक्राइबर्स कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, बट आफ्टर ऑल इट्स माई जर्नी, तो मैं अपनी जर्नी है तो मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगी। तो बेहतर यह है कि अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का ढंग, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।